બંગાળની ખાડીમાંથી સર્જાયેલા વાવાઝોડા દાનાએ ભયાનક રૂપ લઈ લીધું છે અને આ તોફાન ખૂબ જ ઝડપથી કિનારા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. દાના તોફાન 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ગતિથી ઓડિશાના પુરી અને પશ્ચિમ બંગાળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે, જેને લઈને હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. તોફાન દાનાને લઈ બંગાળ ઓડિશા એલર્ટ મોડ પર છે. એનડીઆરએફની 288 ટીમો તહેનાત કરાઈ છે. ચક્રવાત દાનાને જોતા હવામાન વિભાગે 24-25 ઓક્ટોબરે બંગાળ અને ઓડિશા સહિત ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મેદિનીપુર જિલ્લાના દીઘા વિસ્તારમાં ભારે ભરતી સાથે હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો. આ વાવાઝોડાની અસર ઓડિશાથી લઈ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ સુધી જોવા મળી શકે છે. ઓડિશામાં આજે અને કાલ સુધી ચક્રવાત દાનાને લઈને દરેક જગ્યાએ તકેદારી વધારી દેવાઈ છે. વાવાઝોડાની અસર અત્યારથી શરૂ થઈ ગઈ છે અને ત્યારે તૈયારીઓને પણ આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. અને ન્યૂઝ 18ની ટીમ ઓડિશા પહોંચી છે. જગન્નાથપુરીનો શાંત દરિયો હાલ ખૂબ જ તોફાની બન્યો છે. દરિયામાં ભારે કરંટ અને ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. પુરીના દરિયા કિનારે લગાવાયા છે રેડ ફ્લેગ, તો લોકોને કિનારાથી દૂર ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. तो खूब ज भयंकर छे दाना बाबा छोड़ू. चक्रवाती तूफान दाना को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जीरो कैजुअलिटी कैसे होगा उसके लिए पूरा तैयार की जा रही है. और आप देख सकते हैं हम पूरी बीच में हैं. पूरी बीच में यहाँ पर नो बर्थिंग जोन और नो लोग कोई भी पर्यटक यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए पूरा तैनात किया गया है लाइफ गार्ड. और ये आप देख सकते हैं कि लाइफ गार्ड की तरफ से पूरा यहाँ पर आवर की जा रही है और पूरा बीच में रेड फ्लैग लगा गया है. कोई भी पर्यटक यहाँ पर मत आइए, इसलिए पूरा सुबह से पूरी पुलिस और लाइफ गार्ड की तरफ से ये पूरा अवेयरनेस किया जा रहा है. पूरा आप देख सकते हैं, पूरा अब सबकी तरफ से आप देख सकते हैं कि पूरा माइकिंग और व्हिसिल बजा के ये सब पूरा टूरिस्ट को भगा रहे हैं, क्योंकि अभी बीच बहुत रफ है, वहाँ जाने आने में बहुत नुकसान हो सकता है. पूरा टूरिस्ट आप देख सकते हैं पूरा ये व्यवस्था पूरी बीच में. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुबह से ज़्यादा बारिश हो रही है और विंड स्पीड भी ज़्यादा है. तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से ओडिशा में हाई अलर्ट की गई है. 6 जिला में पूरा अलर्ट की गई है और इसका वजह से हम देख सकते हैं कि 6 IAS को भी यहाँ दायित्व दी गई है. आप देख सकते हैं पूरी बीच में और हमारे साथ कुछ लाइफ गार्ड भी है, उनसे बात करेंगे. तो कैसा आप जो टूरिस्ट आते हैं उनको कैसा मना कर रहे हैं और कैसा कितना लाइफ गार्ड यहाँ पर है सब? सर यहाँ पे 100 लाइफ गार्ड है. अच्छा, हमारा सब टीम एक साथ ड्यूट कर रहा हूँ. जो टूरिस्ट आते हैं ना उसको मना कर देते हैं हम. पानी का डेंजर शुरू हो गया, बीच पे तो डेंजर चले जाएगा ना. अब अंदर मत नहीं जाओ, 2 दिन के लिए रेस्ट ले जाओ. बात बीच खोला के बाद आप सब एंट्री करेंगे. ये बारिश कब से शुरू हुआ है बारिश? सर ये काल तो शुरू हुआ है सर. अच्छा, ये आज शाम को ये लैंडफॉल के लिए मतलब चक्रवात तूफान चलेगा, यहाँ से पास करेगा, तो बीच कैसा रहेगा, समुद्र कैसा रहेगा? समुद्र बहुत अशांति है सर. अच्छा, बहुत डेंजर हो गया. अभी तो देखो डेंजर, काल तो थोड़ा शांति था, आज पूरा डेंजर हो गया, शुरू हो गया पूरा. अच्छा, बहुत डेंजर शुरू हो गया. ना रफ है बीच में, अगर कोई नहाएगा तो मतलब करंट बहुत है. हाँ, खींच ले जाती है, उसको बॉडी भी नहीं मिलती है. अच्छा, इसलिए हम टूरिस्ट की मना कर रहे हो, कहीं अंदर न मत नहीं जाओ, सब ऊपर खड़ा ही देखो. अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि टूरिस्ट को मना करे क्योंकि मत जाओ, और ये जो टाइड कितना होता है, मतलब ये लहर कितना ऊंचा होता है? 10 फुट 15 फुट. अच्छा, अभी बीच में नहाना मुमकिन नहीं है? नहीं, क्योंकि रफ है बीच, पूरा रफ है. आप कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब पानी भी देखे होंगे आपने, कितना स्पीड था विंड का, कितना हवा चल रहा था, पानी का एक्सपीरियंस क्या है आपका? डेंजर था सर. हाँ, पानी बहुत डेंजर था. अच्छा, हाँ, अभी ये पूरा शांत है. अच्छा, अभी तो क्या बोलेंगे, तो समुद्र बहुत शांत रहा है. अच्छा, हाँ, पानी तो बहुत डेंजर, हमें इधर खड़ा होना नहीं चाहिए सर. तो क्या बताएंगे, अभी ये जो लग रहा है कि दाना साइक्लोन आ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर पूरी बीच में? हम तो यहाँ बचपन से हुआ था, लेकिन समुद्र देख के हम पता चल जाएंगे. लेकिन जो इस तरफ जो हवा आती है ना, हाँ, कुछ ना कुछ होती है. अच्छा, समुद्र में. अच्छा, तो फिर अभी साइकिलिंग चल रहा है, मतलब जो आ रहे है, जो दाना आती है, दाना आ रहे है ना, साइड से आ रहे है. अच्छा, जो लहर देखो. हाँ, समुद्र तरफ देखिए आप. हाँ,
एक साइड में आ रहे हैं। ये बता रहे थे कि यहाँ पर वो मछुआरे हैं और यहाँ पर जो रोज का उनका काम है लाइफ गार्ड है, उनको मालूम है कि आप देख सकते हैं पूरा बीच में रेड फ्लैग लगा हुआ है, पूरा 3 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर तक ये पूरा रेड फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ नो बाथिंग जोन है, यहाँ पर घूमना मना है, नो विजिटिंग जोन भी बनाया गया है यहाँ पर, और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयार की गई। आप देख सकते हैं अभी लाइफगार्ड लोग पूरा बीच के नजदीक जाके वहाँ पर लोगों को मना कर रहे हैं कोई भी अंदर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जान मान का नुकसान है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर खुद चले आते हैं देखने के लिए कि कैसा लहर होता है, क्योंकि सबके मन में एक उत्साह रहती है कि साइक्लोन को देखना है। अभी पूरी बीच में ये देख रहे हैं आप, पूरा अवेयरनेस चल रही है और पूरी पुलिस भी आके अवेयर कर रही है, और हम हवा की बात करेंगे, हवा भी तेज हवा भी बह रही है, और जिस तरह का बारिश थोड़ा कम हो रही है लेकिन हवा ज़्यादा हो रही है, और पूरी बीच में खड़ा होना भी अभी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी जो लैंडफॉल का स्थिति है आज शाम को ये लैंडफॉल का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और साइक्लोनिक स्टॉर्म में वो चला गया अभी तक, और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आज रात को होगा वो धामरा के आसपास लैंडफॉल करेगा, और उसी हिसाब से 6 जिलों को भी अलर्ट की गई है। पूरी से कैमरामैन अमरेंद्र के साथ अक्षय मिश्रा, न्यूज 18। ओडिशा और बंगाल में तूफान थी बचवा माटे व्यापक तैयारियों करवामां आवी छे। वावाझोड़ा की तीव्रता अंदाज लगावीने 14 जिला 10 लाख लोगों ने सुरक्षित कैम्प में खसेड़वामां आव्या छे, अने आ वावाझोड़ा की असर ओडिशा थी लई बंगाल बिहार झारखंड सुधी जोवा मळी शके छे। आ वावाझोड़ू राष्ट्रीय उद्यान अने पुरीना धमरा बंदर की वच्चे सपाटी पर लैंडफॉल थई शके छे। हवामान विभाग ना मते बंगाल की खाड़ी में बनेलो डीप प्रेशर क्षेत्र चक्रवात नो रूप लई रह्यो छे अने 15 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे ओडिशा तरफ आगळ वधी रह्यो छे। हाल में ते पारा द्वीप थी 560 किलोमीटर अने सागर द्वीप थी 630 किलोमीटर ना अंतरे छे। आज रात्रे अथवा तो शुक्रवार 25 ऑक्टोबर नी सवारे ते पूरी किनारे अने बंगाल ना सागर द्वीप किनारे अथड़ाशे। आ समयगाळा दरमियान पवन की गति 100 થી 120 કિલોમીટર प्रति कलाक की रही शके छे। हवामान विभागे आज और काले बंगाल और ओडिशा सहित घणा राज्यों में भारे वरसाद की आगाही पण करी छे। समंदर में सीवियर साइक्लोन बना है साइक्लोन दाना, और तेजी से ओडिशा कोस्ट के नजदीकियां बना रहा है, और पारादीप से अभी माना जाए तो 280 किलोमीटर के दूरी पे और धामरा से 350 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है, और उत्तर पश्चिमी और ओडिशा कोस्ट के नजदीकी बना रहा है, और जिसके वजह से अभी ओडिशा कोस्टल बेल्ट में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोरधा, पुरी, भुवनेश्वर में हाई अलर्ट जारी किया गया है, और सुबह से भुवनेश्वर में भी मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है और हवाएं भी महसूस होने लगी है, जिसके वजह से बारिश भी शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से बारिश और हवाएं तेज होती जाएगी, और माना जा रहा है कि आज मिडनाइट से कल सुबह तक ओडिशा कोस्ट को क्रॉस कर सकता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, और उसी वजह से प्रशासनिक ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। 0 कैजुअल्टी के हिसाब से प्रशासन ने तैयारियां तो कर चुकी है, लेकिन अभी दाना जिस टाइम पे कोस्टल ओडिशा को क्रॉस करेगा तब देखते हैं क्या हालत रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मौसम बदलता जा रहा है साइक्लोन उसी हिसाब से डर भी बना रहा है, और अभी नजदीकियां खूब जल्दी ओडिशा कोस्ट से बना रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ीशू, नानकड़ा ब्रेक बाद।